Yeah, it was a nice movie. I loved this. And I was not a Pikachu fan before. I didn't see any cartoons, but I loved the movie. बहुत अच्छी थी और कबड्डी तो मेरा फेवरेट है तो और टाइगर की हर मूवी अच्छी लगती है मेरे को. All are very amazing. मूवी अच्छी लगी. टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग अच्छी थी. फिर अनन्या की अच्छी थी. उसमें जो दूसरी हिरन का जो रोल दिया था, मतलब उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो थी मिया. उसका कैरेक्टर मिया का कैरेक्टर अच्छा था, बट उसको बहुत सेल्फिश वाला रोल दिया था और वो सेल्फिश के जैसे रहती थी. फिर बाद में उसको पता चला कि कौन कैसा है. अनन्या और तारा जो नए थे उन लोगों ने बहुत अच्छा किया. But this one is also very amazing. It came out very amazing. From the trailer we were not expecting much more, but in reality it is very nice. It is fun to watch. नहीं ऐसे कंपेयर आप नहीं कर सकते. वो अलग टाइप की पिक्चर थी, ये अलग टाइप की पिक्चर है. Obviously first part was more special and more ब्यूटीफुल. मुझे काफ़ी एवरेज लगी. स्टूडेंट ऑफ द ईयर वन देखी थी तो मज़ा आ गया था. इतना यू नो यू कुड कनेक्ट टू दैट मूवी. दिस मूवी लैक सोल. इतना कुछ दिखाने की कोशिश की है, कॉलेज लाइफ दिखाई है, बट कहीं भी यू नो बीच में कॉम्पिटिशन दिखाया है, कबड्डी के मैचेस दिखाए हैं. मुझे तो दोनों एक ही जैसी लगी. एक्टिंग वो या इट वॉज गुड, बट आई डिडंट लाइक द लेडी. हम लोग को वो लव स्टोरी भी पसंद आई और लास्ट में वो टाइगर श्रॉफ जब विन करता है, इतनी मेहनत करता है, वो इंजर्ड होके भी उसको लगता है फिर भी वो खेलता है, तो वो बहुत पसंद है. और कबड्डी हम लोग का फेवरेट गेम है तो पसंद है, मूवी पसंद है. सीक्वल की बात नहीं होती है. सीक्वल तो ठीक है, लेकिन ये बाहुबली नहीं है ना. उसकी स्टोरी डिफरेंट थी, इसकी स्टोरी डिफरेंट है. ये कबड्डी बेस्ड है, वो अलग चीज़ थी, बट दिस इज अच्छी बनाई है पिक्चर. स्टोरी वॉज comparatively less than part one, but it was not boring. It was never a dull moment. First part में थोड़ी love story थी और ये part में थोड़े games ज़्यादा थे, Olympics ज़्यादा दिखाए तो अच्छी थी. Students के लिए best movie. I think part one में सब कुछ अच्छा था. Direction, screenplay, performances, music. जो एक romantic movie का soul होता है, music इतना average है movie का. उसमें राधा song इतना hit हुआ था और भी गाने. और स्क्रीन प्ले इतना ज़रूरी है, कंटेंट, मूवी का कंटेंट बहुत ज़रूरी है. तो ये सब एस्पेक्ट्स में आई थिंक इट फेल्स टू डिलीवर. इट डजंट कनेक्ट विद द ऑडियंस. अनन्या पांडे डन अ गुड जॉब. तारा ने भी अच्छा किया काम, बट अनन्या इज ओवरटेकिंग दैट. अनन्या की एक्टिंग बहुत अच्छी है. अभी ये बात से हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए तो बोल नहीं सकते. पुनीत मल्होत्रा ने ट्राई किया है कि वो मूवी से एंटरटेन करे, बट इट्स डिसअपॉइंटिंग. ऑब्वियसली दे विल मेक द थर्ड पार्ट, बट या बट फॉर नाउ द सेकंड पार्ट इज नॉट बैड. या शी केम एज अ सरप्राइजिंग पैकेज. ऑल वर एंजॉयिंग हर रोल. वाज वेरी वेरी एंटरटेनिंग. इट वाज मोर बेटर देन तारा मस्ट से, बिकॉज एंड शी डांस रियली वेल एंड शी वाज लुकिंग रियली प्रिटी. दो हीरोइन तो बहुत ही नहीं है, लेकिन एक्टिंग ठीक ही है. और दोनों में से सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद है तारा सुजारिया. ऑल गुड, एवरीथिंग इज गुड. बोलते रहो, एवरीथिंग वेरी क्लीन मूवी. songs are superb. songs are typical dharma songs, so we were thoroughly enjoying the movie. music bahut hi average hai vishal shekhar unfortunately. aur jo performances hai wo bhi beech mein dekhe overboard, you know it looks so fake. हालांकि वो मूवी में अगर आप कंपेयर करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट जब वो स्क्रीन पे आते थे तो मज़ा आ जाता था. तीनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, इसमें केमिस्ट्री भी मिसिंग है. फोर अगर सिद्धार्थ और वरुण होते तो इट वुड बी फाइव. आउट ऑफ फाइव आई विल गिव फोर. फाइव स्टार. फाइव स्टार. थ्री एंड हाफ. 2.5. थ्री स्टार.